है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसकी उसके उपास्य रहते हैं। अतः वह चंद्र लोक में जाकर उनके साथ सोम पान करता है और फिर पुण्यशील होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेष जी भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थ आश्रमों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्ति धर्म प्रायण ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष सर्वधर्म पालन रूप सदगुण के द्वारा सर्वदा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग अचि मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले हैं, जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं, वे दो पदार्थ से होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। जिस समय देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्रिय उनमें विशेष शब्द आदि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मक प्रति के साथ एक रूप होकर निर्वेश शेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं, फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माताजी अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी जो समस्त संसार स्थाव जंगम प्राणियों के आदिकरण है, मारीचि आदि ऋषियों योगेश्वरों सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्ति कर्तव्यमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर काल उपस्थित होता है तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होने पर फिर पूर्ववर्त प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वतक ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्म लोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में शोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का संगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का अजाल अभाव फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ धर्म और काम के ही प्रायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है उन भव भय हरि श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। हाय विष्ठा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर के पितृयान और धर्म धूम मार्ग से पितृश्वर आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माता जी पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से चयूत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी जिनके भगवान जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम इन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार के वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा ही भगवत धर्म का चित उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वथा भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग्रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही पार ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है।
संपूर्ण संसार में आसक्ति का भाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र विशिष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह ब्रह्म वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांति व शब्द आदि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही पार ब्रह्म महतत्व वैकारिक राजस्व तामस तीन प्रकार का अहंकार पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया है और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप भी वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योग अभ्यास के द्वारा एकाग्र चित और असंख बुद्धि हो गया है। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म अक्षर साक्षात्कार का साधारण रूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार की अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप यज्ञ दान तप वेदाध्ययन वेद विचार मीमांसा मन और इंद्रियों के संयम कर्मों के त्याग विविध अंगों वाले योग भक्ति योग निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप में प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जा सकता है। माता जी, सात्विक राजस और तामस और तीन निर्गुण भेद से चार प्रकार के भक्ति योग और जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती है, उनमें जाने पर वे अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया उसे दुष्ट दुर्विनीत घमंडी दुराचारी अधर्मध्वजी दम्भी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोभों गृहस्थों को मेरा भक्त ना हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो भी उसे भी इसका उपदेश ना करें। जो अत्यंत श्रद्धालु भक्त विनयी दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला गुरु सेवा में तत्पर ब्रह्म विषय में अनासक्त शांत चित मतर सुनने और पवित्र चित हो तथा मुझे परम प्रीतम मानने वाला हो उसे इसका अवश्य उपदेश करें। माँ, जो पुरुष मुझ में चित लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा वे मेरे परम पद को प्राप्त कर लेगा। श्री श्री महापुराणे पारमहंसे संहिता तत्व संदे कपिलो अध्याय द्वादश अध्याय 32वां अध्याय पूर्णवा मैत्रेय जी। अब अंतिम अध्याय रह गया तीसरे स्कंद का, कपिल भगवान का और माता जी को समझाना पूरा होगा, अब माता जी की मुक्ति हो जाए। मैत्रेय जी कहते हैं देवहूति को तत्व ज्ञान का मोक्ष पद की कौन, आप सुनाओ लल जी आप पढ़ो। देवहूति को तत्व ज्ञान, हाँ करदम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मुंह का पर्दा फट गया और ने तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति जी ने कहा कि कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे, उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रभाव से युक्त सत्व स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा शास्त्रों अचिंतनीय शक्तियों के से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह के प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलयकाल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है, जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण करके अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने घर में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं, अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं उसी प्रकार ये कपिलावतार भी
मुमुक्षों को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके सभी कभी कभी आपका वदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, यह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा से के अग्रभाग से आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। मृत्यु के प्रभाव को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं, तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय कहते हैं कि माता की इस प्रकार स्तुति करने पर मात्र वत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा कि माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है, इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण सहित रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस बात को मत को जानते नहीं जानते, मैं जन्मत्व के चक्र में पड़े रहते हैं। मैत्रेय जी कहते इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। अब कपिल देव भगवान वहां से चले गए, अब ये गंगा सागर चले गए। तब देवहूति जी ने भी सरस्वती जी के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करते हुए समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलके भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति करदम जी के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमर सैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे, तथा जिनके स्वच्छ स्फटिक मणि और महामकरत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणि में दीपक जगमगा रहे थे। जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेकों प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था, जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उनका देवहूति का गंधर्व गण गुणगान किया करते थे, और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां तथा भी लालयत रहती थी, उन ग्रहों ध्यानों की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से मैं आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछड़ जाने पर उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर जी, विदुर, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते मैं कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर मैं कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उनके एक एक अवयव का तथा उन समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रवाह प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर मैं सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और मैं समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विश्व के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई।
उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उनका तेज और भी निखर गया। वह मैल के कारण धूम्र युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिथुर गए थे, वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोग में शरीर की कुछ भी सुध नहीं रही थी। केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोक में सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ। उस स्थान का नाम सिद्धपद। सिद्धपद। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा जिनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा से पिता के आश्रम से ईशान कोश की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। मैं तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए हैं। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं, तथा शंखाचार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवभूति जी का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष का श्रवण या वर्णन करता है वे भगवान गरुध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र श्री के चरणार बिंदुओं को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याहमष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिले योपाख्याने त्रयस्त्रिंशो अध्याय 33वां अध्याय पूर्णवा। इस प्रकार तृतीय स्कंध कोमल शय्या से युक्त हाथी के या ये कह रहे हैं कि जिस वो जितने सुंदर महल में रहती थी ना, दूध के फेन के समान स्वच्छ सुकोमल तो शैया थी, हाथी दांत के पलंग थे, स्वर्ण के पात्रों में भोजन करती थी, सोने के सिंहासन पर कोमल गद्दे बिछे हुए थे। माता जी इसमें रहती थी मैं कभी, जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भांति भीतों में दीवारों में रतन बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणि में दीपक कभी जगमा करते थे रहते थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भोरों का गुंजार होता रहता था, जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे, और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थी, उस ग्रह उद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी थी। ये सारा वर्णन इसलिए क्या कि कहां तो वो इतने ठाट बाट ऐश्वर्य से रहा करती थी अपने पति के साथ, लेकिन जब कपिल भगवान ने उनको भगवान की भक्ति का सांख्य का ज्ञान का उपदेश किया बैराग का, तो उन्होंने इस सब का त्याग कर दिया और केवल भगवान के भजन में और ध्यान में वो लग गई। ये बताना चाहिए, पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से मैं आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई थी जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। ठीक है ना, पति तो उनके वन में चले गए थे करदम जी, तो जब पुत्र चला गया, कपिल भी चले गए छोड़ के, तो मैं आत्मज्ञान से संपन्न हो, कपिल देव की माँ हैं ये, कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश किया, ये करदम जी की पत्नी है, कपिल की माँ है देवहूति, कपिल भगवान का अवतार है, तो इन्होंने अपनी माँ को ज्ञान का उपदेश किया। करदम जी ने तो ये वायदा किया था जब विवाह किया कि मैं जब तक संतान होगी, जब तक रहूंगा, संतान पैदा होते ही मैं संन्यास ले लूंगा।
तो करदम जी ने देवहूति के 9 कन्याय हुई और एक पुत्र हुआ भगवान का अवतार कपिल देव, वो तो सन्यास लेके चले गए थे। अब कपिल देव ने माँ को ये सारा ज्ञान का उपदेश किया और उपदेश करके वो भी गंगा सागर चले गए कपिल जी भी। तो माँ फिर व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के, उसमें पति भी चले गए और पुत्र भगवान था। तो वस विसुर अपने पुत्र कपिल देव भगवान हरि का ही चिंतन, तो भगवान उनका पुत्र था ही, तो मैं कपिल देव का चिंतन करती रहती थी जैसे पुत्र का करती हूँ। और वो ज्ञान जो बताया था तो सारे भोग ऐश्वर्य सब छोड़ दिया और निरंतर भगवान के ध्यान में रहते रहते फिर उनका शरीर अंत में नदी बन गया जो आज भी है, वो नदी के रूप में बह गया और माता जी का मोक्ष हो गया। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए, वहां पर जाके फिर वो वहां पर साधना समाधि करते हैं। ये माँ देवहूति के मोक्ष का वर्णन किया कपिल भगवान के भक्ति ज्ञान के उपदेश के द्वारा। तो ये तीसरा स्कंध और 33वां अध्याय पूरा हुआ। अब